इंग्लैंड की धरती पर शुरू हो रहे विश्व कप से पहले ये बांग्लादेशी बल्लेबाज अपने इरादे जता चुका है। तूफानी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करने वाला ये बल्लेबाज है सौम्य सरकार। सौम्य ने अपनी धरती पर हुए वनडे मैच में शानदार दोहरा शतक ठोका है। जी हां, बाएं हाथ के बल्लेबाज सौम्य सरकार ने अपनी इस पारी में 16 छक्के लगाकर विश्व कप से पहले विरोधी टीमों को एक चुनौती तो दे ही दी है। आपको बताते हैं सौम्य ने कहां और कैसे ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल सौम्य सरकार ने बांग्लादेश में खेली जा रही ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग के एक मैच में ये नाबाद डबल सेंचुरी ठोकी है। अभानी लिमिटेड के लिए खेलते हुए सौम्य सरकार ने शेख जमाल धनमोंडी क्लब के खिलाफ 153 गेंदों में नाबाद 208 रन बटोरे। इस पारी में सौम्य सरकार ने 14 चौके और 16 छक्के जड़े। इससे पहले मैच में शेख जमाल धनमोंडी क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाए। 318 रन का पीछा करने उतरी अभानी लिमिटेड की टीम ने 9 विकेट और 17 गेंद शेष रहते ही इस लक्ष्य को हासिल भी कर लिया। अभानी की ओर से सौम्य सरकार ने 208 और जहरुल इस्लाम ने 100 रन की पारी खेली और पहले विकेट के लिए 312 रन की साझेदारी की। बहरहाल इस पारी के लिए सौम्य को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि सौम्य सरकार ने अपनी इस धमाकेदार पारी से न केवल अपनी टीम अभानी लिमिटेड को जीत का स्वाद चखाया बल्कि ढाका प्रीमियर लीग का खिताब भी अपने नाम किया। लेकिन वहीं अगर हम उनके इस रिकॉर्ड की तुलना इंटरनेशनल क्रिकेट से करें तो यहां डबल सेंचुरी लगाने का कारनामा करने वाले 6 ही बल्लेबाज हैं, जिसमें रोहित शर्मा का नाम खास तौर से शामिल है। उनके नाम वनडे में 3 दोहरे शतक दर्ज हैं, लेकिन सौम्य सरकार ने जिस तरह से विश्व कप से पहले ये उम्दा प्रदर्शन कर बांग्लादेशी टीम में जगह बनाई तो वो साथी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए तो काफी है। वहीं विरोधी टीमों के लिए सौम्य सरकार किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।